वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। हमारे पास भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल पे वीडियोस है। प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पे आपको 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। हमारे सारे वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन, आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे अबाउट हुमायूं। इससे पहले हम लोग ने बाबर किया था, तो अब बाबर के बाद उनके बेटे के बारे में पढ़ेंगे जो कि थे हुमायूं। अब अगर आप लोग में से कोई बंगाली लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बंगाली वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, हम वहां से जाके बंगाली में भी सेम वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हुमायूं के बारे में अगर सबसे पहले बात की जाए तो हुमायूं का रूल चला था 1530 से 1556 तक। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि फाउंडर ऑफ द मुगल रूल इन इंडिया थे बाबर, और उनके बाद आए थे आपके उनके बेटे हुमायूं। तो उनकी माता जी का नाम अगर देखा जाए तो वो थे महीम बेगम। ही बिकेम अ सुल्तान एट द एज ऑफ 23। तो बाबर जो थे वो सुल्तान बने थे एट द एज ऑफ 13, और वो पहले कहाँ के सुल्तान बने थे? फरगना। उनके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सुल्तान बने थे हुमायूं एट द एज ऑफ 23। तो 10 ईयर्स का डिफरेंस है, ये याद रखने में आपको आसानी होगा। हुमायूं वॉज अ काइंड हार्टेड रूलर, इसी कारण से उनको बहुत ज्यादा लॉस भी सहना पड़ा था, बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड और उन्होंने बहुत टाइम पे अपने एनिमीज पे मर्सी दिखाया था। मुगल्स में ये रूल था कि मुगल्स में जब कोई सीनियर मर जाते थे या फिर पिताजी मर जाते थे, तब जितना भी जमीन होता था वो सब भाइयों में इक्वल हिस्से में डिवाइड हो जाता था, और जो वो डिवाइड करता था वो था सबसे बड़ा भाई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भाई था आपका हुमायूं, तो उसने अपने तीनों भाइयों में जो दिल्ली सल्तनत है उसको डिवाइड कर दिया था। तो कामरान नाम का उसका जो भाई था उसको दिया था उसने काबुल, कांधार और पंजाब। हिंदल को दिया था आपका अलवर और मेवात। मिर्जा अक्सरी को दिया था संभल। तो कामरान को दिया काबुल, कांधार, पंजाब। हिंदल को दिया था अलवर और मेवात, और मिर्जा अक्सरी जो उसका सबसे छोटा भाई था उसको दिया था उसने संभल। 1532 में अगर देखा जाए तो दौड़ा में उसने डिफीट किया था अफगान को, जो कि आपके बिहार और जौनपुर से थे। तो इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि बाबर जब सुल्तान बने थे उनके खिलाफ थे अफगान, जो कि आपके ईस्टर्न प्रोविंसेस से थे। ईस्टर्न प्रोविंसेस आपके बिहार और जौनपुर, और बिहार और जौनपुर के जितने अफगान थे उनको हराया था हुमायूं ने इन द ईयर 1532। और ये लड़ाई कहाँ पर हुई थी? ये हुआ था आपके दौड़ा में। ही वॉन द पावरफुल फोर्ट ऑफ चुनार, गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया फ्रॉम शेर खान। अब चुनार को कहा जाता था गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया, जैसा कि आपका पंजाब को कहा जाता था गेटवे ऑफ इंडिया, वैसे ही आपका चुनार को कहा जाता था गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया। और चुनार को जीत के बैठा हुआ था आपका शेर खान। तो इसलिए आपका ईस्ट फिर से वापस जीतने के लिए हुमायूं ने अपने फोर्सेस भेजे और जाके चुनार पे अटैक कर दिया। चुनार को जीतने के बाद उसने शेर खान जो चुनार पे बैठा हुआ था, चुनार से उसको शेर खान को हटा दिया। और यहीं पे आप देखेंगे कि सबसे बड़ी गलती क्या था आपके हुमायूं ने। जब हुमायूं ने शेर खान को हरा दिया था उसके बाद भी हुमायूं ने अलाउ किया था शेर खान को कि वो रह सकता है, और उसको बंदी नहीं बनाया था। सिर्फ शेर खान को बोला गया था कि शेर खान को लॉयल रहना होगा। इसी वक्त पे वो चुनार फोर्ट को जीत चुका था और शेर खान को भी हरा चुका था। अगर वो इसी मौके पे शेर खान को पूरी तरीके से खत्म कर देता तो शेर खान फिर जाके आगे लड़ाई नहीं कर पाता, और बाद में हुमायूं को हरा भी नहीं पाता। पर चुनार में क्योंकि शेर खान को छोड़ दिया गया था, इसलिए बाद में हम लोग देखेंगे कि शेर खान ने और भी ज्यादा पावर लिया था और बाद में जाके यहाँ पर मुगल रूल को खत्म कर दिया था और हुमायूं को देश से हटा दिया था। अगर शेर खान की बात की जाए, यहाँ पर ईस्ट में जब उसने कंट्रोल बना लिया था, ये ईस्ट में था, ईस्ट में जो अफगान थे उन पर कंट्रोल बना लिया था, फिर वो चला गया था आपके गुजरात में, क्योंकि गुजरात में भी रिवोल्ट चल रहा था और उसको भी उसने कंट्रोल कर लिया था। ही वेंट टू गुजरात एंड क्रश द रिवोल्ट इन मांडू। गुजरात में गया था और जो रिवोल्ट चल रहा था मांडू में वो बंद कर दिया था। फिर अपने यंगर भाई जिसका नाम था अक्सरी, जो हम लोग ने पहले देखा, अक्सरी को बना दिया था गवर्नर ऑफ पंजाब। तो अक्सरी को यहाँ पर गवर्नर बना दिया था, यहाँ पर पंजाब नहीं होगा, यहाँ पर होगा होगा गुजरात। उसने गवर्नर बना दिया था अक्सरी को गवर्नर ऑफ गुजरात, पर गुजरात को ज्यादा दिन संभाल नहीं पाया था और फिर से गुजरात में रिफोल्ट हुआ था और फिर से गुजरात इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। शेर खान की अगर बात की जाए, इसमें जो शेर खान को उसने छोड़ दिया था, शेर खान वहां पर सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बन गया बिहार का। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफोल्ट चल रहा था, और कभी कभी आपके हुमायूं जीत रहा था तो कभी गुजरात जीत रहा था, फिर इसी के बीच में आपका शेर खान को टाइम मिल गया अपने पावर बढ़ाने के लिए। वैसे पावर बढ़ाते हुए हुए वो पूरे बिहार का सबसे पावरफुल इंसान बन गया। बिहार का सबसे पावरफुल इंसान बनने के बाद उसने अटैक किया आपके बंगाल में, और बंगाल का उस टाइम का जो कैपिटल था गौड़, उस टाइम का कैपिटल जो बंगाल का था वो था गौड़, तो गौड़ को उसने जीत लिया था। अब ये बंगाल जीतने का रीजन ये था कि बंगाल में जितना भी कल्टीवेशन होता था, आप ये समझिए कि पहले के दिन का मुगल टाइम का बात चला, तो बंगाल का मतलब आपको वेस्ट बंगाल भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, यानी कि पूरा जो सुंदरबन डेल्टा था और वहां का जितना भी फर्टाइल सॉइल था वो सब चला गया शेर खान के अंडर। तो इससे शेर खान अपना पावर और भी ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और उसके पास बहुत सारा पैसा भी आ गया। ये जब पता चला आपका हुमायूं को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और हुमायूं ने कहा तुम बिहार तो रख सकते हो पर तुम्हें बंगाल छोड़ना होगा। तो इससे जब शेर खान को पता चला ये चीज, तब शेर खान ने और एक प्रस्ताव भेजा। उसने बोला कि उसे अगर बंगाल रखने दिया जाएगा तो वो हर एक साल 1 लाख दिनार भेजेगा। इसको एक बार समझ लेते हैं, था आपका बैटल ऑफ चौसा। तो यहाँ पर वही लिखा, एक बार देख लेंगे। ही वांटेड टू मेक अ ट्रेड विद हुमायूं दैट शेर खान कुड कीप बिहार एंड ऑल्सो पे एन एनुअल पेमेंट ऑफ 1 लाख दिनार इफ ही वाज अलाउड टू कीप बंगाल। तो बंगाल के लिए उसने 1 लाख दिनार देने के लिए मान गया था, और
मुगल एम्पायर को बिहार देने के लिए भी मान गया था, पर हुमायूं को ये अच्छे से पता था कि बंगाल लूज करना यानी कि वहां का जितना टैक्स है फर्टाइल्स वाले सब कुछ वो लूज कर देगा, इसलिए वो इस चीज पे माना नहीं और दोनों के बीच में बैटल जो दोनों के बीच बैटल हुआ था पहला वो हुआ था आपका बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा जो कि हुआ था इन द ईयर 1539। बैटल ऑफ चौसा में लड़ाई हुआ था हुमायूं का शेर खान के साथ, तो इस लड़ाई में शेर खान जीत गया था और शेर खान जीतने के बाद अपना नाम शेर शाह बना लिया था। जो हम लोग हिस्ट्री में ज्यादा पढ़ते हैं शेर शाह सूरी, वो इस बैटल ऑफ चौसा में जब उसने हुमायूं को हरा दिया था तब उसने ये टाइटल अडॉप्ट किया था। इसके बाद हुआ था बैटल ऑफ कनौज, इससे पहले अगर याद है आपको तो जो हुमायूं था हुमायूं ने आपका मर्सी दिखाया था शेर खान के ऊपर और शेर खान को वहां पर रूल करने दिया था, सिर्फ बोला था कि मुगल के प्रति आप लॉयल रहिए। शेर खान को ये बात अच्छे से याद थी और इसलिए शेर खान ने ये डिसाइड किया कि हुमायूं को जो है पूरे देश से हटाना होगा और उसे फिर से वापस स्ट्रांग बनने का कोई मौका नहीं देंगे। इसलिए हुआ था आपका बैटल ऑफ कनौज जो कि हुआ था ये 1540 में। इसमें हुमायूं ने अपने भाइयों से हेल्प मांगा था, तो हुमायूं का जो भाई था कमरान उसने हेल्प देने से मना कर दिया था, पर उसके जो यंगर ब्रदर्स थे उसके जो छोटे भाई थे अक्सर और हिंदल उन्होंने बोल दिया था कि वो हुमायूं को सपोर्ट करेंगे, तो हुमायूं को कामरान की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था पर अक्सर और हिंदल की तरफ से सपोर्ट मिला था। इस लड़ाई में फिर से हुमायूं और शेरशाह सूरी एक साथ लड़ाई किए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई किया था और इसमें फिर से हुमायूं हार गया था। इसमें हुमायूं हारने के बाद उसका पूरा जो आर्मी है पूरा एस्टेब्लिशमेंट है उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया था आपके शेरशाह ने और किसी तरीके से हुमायूं उस लड़ाई से बच के निकल गए थे। तो यही देखेंगे हुमायूं वो लड़ाई हार गए थे और उनको दिल्ली छोड़ना पड़ा था और वनवास में रहना पड़ा था 15 साल के लिए। दिल्ली छोड़ के वो छुप के रहना पड़ा था उनको 15 साल के लिए फ्रॉम शेरशाह सूरी। तो ये समय जब वो वनवास में थे उन्होंने शादी किया था आपके हमीदा बानो बेगम से, उनकी शादी हुई थी हमीदा बानो बेगम से और इनके पुत्र थे आपके अकबर। स्टेट इन अमरकोट, अमरकोट में जब वो थे ही वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ राणा प्रसाद और यहीं पे जन्म हुआ आपके अकबर का। इसलिए बोला जाता है अकबर वॉज द फर्स्ट इंडियन मुगल क्योंकि उसका जन्म इंडिया में हुआ था। जब अमरकोट में थे आपके हुमायूं तब वो राणा प्रसाद से उन्होंने हेल्प मांगा था कि आप हेल्प कीजिए मुझे शेर खान को हराने में, पर राणा प्रसाद ने ये बोला था कि मैं तो आपको प्रोटेक्शन दे सकता हूँ पर मेरी इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि शेर खान से लड़ाई करे। इसलिए हुमायूं चले गए थे आपके ईरानी राजा के पास, ईरानी राजा के पास वो हेल्प मांगने गए थे और उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे मदद कीजिए शेर खान को हराने में। तब ईरानी राजा ने एक शर्त रखा था कि उनको शिया मुस्लिम बनना पड़ेगा। अगर मुस्लिम का देखा जाए तो उन्हें उनके दो हिस्से में डिवाइड होते हैं, जैसे हिंदूज में बहुत सारी मतलब कास्ट रहते हैं वैसे ही आपके मुस्लिम में ये है, एक होते हैं शिया मुस्लिम दूसरे होते हैं सुनी मुस्लिम्स। तो उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करना पड़ा था शिया मुस्लिम में। अगर मुगल्स का पहला देखा जाए तो मुगल्स पहले थे आपके सुनी मुस्लिम्स, तो ईरानी राजा ने जब जबरदस्ती उसको शिया मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया फिर उसको एक आर्मी मिला था जो कि शेर खान पे अटैक कर सके। जब वो शिया मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया तब उनको एक आर्मी मिला था कि वो इस पे शेर खान पे अटैक कर सके। पर ये बात आप याद रखिए कि शेर खान जब तक जिंदा थे उन पे अटैक नहीं किया गया था और उनके जाने के बाद उनके बेटे जब सुल्तान बनते थे उन पे भी अटैक नहीं किया गया था, पर जब उनके बेटे चल बसे थे तब मतलब एक गोलमाल क्या बोल सकते उसको, मतलब कौन अगला सुल्तान बनेगा इसका कोई ठीक नहीं था, तो सभी एक दूसरे में लड़ाई कर रहे थे। उस वक्त पे हुमायूं एंटर करता है और सबको हरा के फिर से मुगल सल्तनत जो है उसको कंटिन्यू करता है। तो वही देखेंगे यहाँ पर 1555 में हुमायूं ने हरा दिया था अफगान्स जितने भी लड़ाई कर रहे थे शेरशाह सूरी के बेटे जो थे उनके जाने के बाद जितने अफगान्स लड़ाई कर रहे थे कि अगला सुल्तान कौन बनेगा, उस वक्त आपके हुमायूं ने अटैक किया था और फिर से इंडिया में एस्टैब्लिश किया था आपके मुगल एम्पायर को। और मुगल एम्पायर फिर से एस्टैब्लिश करने के एक साल बाद ही वो स्टेयर केस से गिर के मर गए थे, लाइब्रेरी का जो सीढ़ी था उनसे गिर के वो मर गए थे। और ये जो लाइब्रेरी है ये बनाया था आपके शेर खान ने, तो ये बोला जाता है कि शेर खान ने मरने के बाद भी अपनी दुश्मनी निभाई थी और वो एक साल बाद ही चल बसे थे 1556 में। अब हम लोग देखेंगे आर्टन आर्किटेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और क्या क्या आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पहले देखेंगे उनके जो हाफ सिस्टर थे गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा था आपका हुमायूं नामा। तो गुलबदन बेगम ने लिखा था आपका हुमायूं नामा। उनकी कोर्ट में आपके फेमस पेंटर थे जिनका नाम था मीर सैयद अली और अब्दुस समद। तो दो फेमस पेंटर थे उनकी कोर्ट में, एक थे आपके मीर सैयद अली और दूसरे थे अब्दुस समद। उन्होंने क्या क्या बनाया था, तो उन्होंने बनाया था आपका जमाली मॉस्क और उन्होंने बनाया था जमाली मॉस्क और मॉस्क ऑफ ईसा खान। उनके जो विधवा थे हाजी बेगम, उन्होंने बनाया था उनके लिए हुमायूं टोम। उनकी विधवा हाजी बेगम, उन्होंने बनाया था आपका हुमायूं टोम। उनके काल में बनाया गया था सिटी दीनापना, उनके जब वो जिंदा थे उन्होंने बनाया था सिटी जिसका नाम था दीनापना। तो यही आपका यहाँ पर आपका खत्म होता है आपका हुमायूं का जो चैप्टर है और इसके बाद हम लोग शेर खान के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।